हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो डीमल्टीप्लेक्सर्स को यूज करके है। इसमें हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है डीमल्टीप्लेक्सर यूज करके। तो ये क्या क्वेश्चन है? इंप्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर एफ वन ए बी सी सिग्मा एम 0257 एंड एफ टू ए बी सी सिग्मा एम 136। इस टाइप से ये दो आउटपुट्स हैं और ये वेरिएबल दे रखे हैं सिग्मा एम, मींस कि ये एसओपी फॉर्म में है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डाटा इनपुट है, अब हमें पता है कि इसको देख के हमें पता चल रहा है यहां पर एबीसी वैसे भी दिया हुआ है, वेरिएबल्स हैं। यदि ये वेरिएबल ना दिए हो, यहां पर एफ वन एफ टू दिया हो आपको सिर्फ, तो आप इसमें देखेंगे कि जीरो से लेके सेवन तक वेरिएबल है। इट मीन्स कि इसको हम 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे इसके लिए, बिकॉज 7 तक यहां पर क्या है आउटपुट्स हैं। यदि एबीसी नहीं दिया हो, यहां पर एबीसी दिया हुआ है, तीन वेरिएबल हैं, इट मींस अंडरस्टूड है कि ये 1:8 है और ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हम सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं इस तरह से। एस जीरो एस वन एस टू जो था उसको हम क्या करेंगे, ये ए बी सी, ये एल एस बी रहेगा और ये एम एस बी रहेगा। जो भी वेरिएबल है उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट करेंगे और डाटा इनपुट जो था हमारे पास, जो डाटा इनपुट है उसको हम परमानेंटली क्या करेंगे, लॉजिक वन से कनेक्ट करते हैं। अब 1:8 है तो इसके लिए आउटपुट्स कितनी होंगी, यहां पर वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स एंड वाई सेवन। तो इस तरह से जब आपको ये दिया हुआ है एफ वन ए बी सी, तो इसके लिए जो आउटपुट होगी, जितने भी यहां पर हमें मिन टर्म्स दे रखे हैं, ये जो मिन टर्म्स हैं, इन मिन टर्म्स को ऑरिंग करके और करके यहां पर, इसका मतलब क्या है जीरो का, कि ये वाई जीरो है, ये वाई टू है, ये वाई फाइव है और ये वाई सेवन है, और इसका क्या मतलब है वाई वन, ये वाई थ्री है और ये वाई सिक्स है। तो इनको हम आपस में ऑरिंग करके और गेट हम यूज करेंगे इसी तरह से इसके लिए भी। तो इस तरह से ऑरिंग करके हमें आउटपुट मिलेगी। तो फर्स्ट क्या है, वाई जीरो वाई टू वाई फाइव वाई सेवन, यहां पर जो और गेट होगा, ये और गेट हमें क्या देगा, बेसिकली दिस विल गिव अस एफ वन, और एफ वन हमें क्या मिलेगा, यहां पर एफ वन विल बी इक्वल टू सिग्मा एम, क्या है यहां पर 0257। तो 0257 का मतलब कि हमें वाई जीरो को कनेक्ट करना है यहां पर, उसके बाद वाई टू को कनेक्ट करना है, देन वाई फाइव को कनेक्ट करना है हमें यहां पर एंड वाई सेवन को। उसके बाद उसी तरह से हमें यहां पर F2 के लिए कनेक्ट करना है F2, और F2 किसके बराबर है, सिग्मा M 136। 136 मीन्स कि यहां पर जो 1 है Y1, इस Y1 को हम लेके आएंगे यहां पर, देन 3 ये Y3 है यहां पर एंड 6 ये Y6। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हो कि इंप्लीमेंट करो जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको यूज करके, तो आपको इस तरह से इंप्लीमेंटेशन दिखाना है और ये करेक्ट है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, मान लो ये हमें नहीं दिया होता, इसकी बजाय आपको ट्रुथ टेबल देगा। यदि इसी फॉर्मेट को हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, कि ये कोई ट्रुथ टेबल दे रखी है आपको ए बी सी, और आउटपुट्स हैं एफ वन एफ टू, तो यहां पर थ्री वेरिएबल मींस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, और यहां पर आपको दिया हो वन जीरो वन
जीरो जीरो वन जीरो वन और एफ टू के लिए वन जीरो देन जीरो थ्री के लिए वन है जीरो देन सिक्स के लिए वन है। आपको यदि इस टाइप से ट्रुथ टेबल दी हुई है और आपको कहता है कि इस ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट करो यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर तो भी सेम क्वेश्चन आएगा। क्यों सेम क्वेश्चन आएगा? बिकॉज ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वाई जीरो, ये क्या है वाई टू, ये क्या है वाई फाइव और ये क्या है वाई सेवन। उसी तरह से एफ टू के लिए ये वाई वन है, वाई थ्री है और ये वाई सिक्स है। इन सब की ओरिंग करके हमें आउटपुट निकालनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या था, सारे के सारे जीरो थे, सिर्फ एक ही आउटपुट थी तो उसको हम लेते थे, बाकी यहां पर जो भी वन है उन सबको ओरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एफ वन मिल जाएगा, इनको ओरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एफ टू। तो ये वन एंड सेम थिंग है। आपको कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन है तो भी आपको इसी तरह से करना है, और आपको इस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो भी आपको इसी तरह से इंप्लीमेंट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मल्टीप्लेक्सर्स के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डी मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन कम आता है, तो इनको आप बहुत ध्यान से करें और जितने भी लेक्चर है उनको सीरीज से करें आप। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियोज हम आपके लिए बना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।